बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में महागठबंधन के लिए घातक साबित हुई है। ऐसा क्यों कहा है शिवानंद तिवारी ने, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के 5 दिन बाद पहली बार RJD की तरफ से हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया गया है। RJD नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर था तब राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। क्या पार्टी ऐसे ही चलती है? कांग्रेस जिस तरह से चुनाव लड़ रही है उससे BJP को ही फायदा पहुंचा रही है। RJD नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का जोर हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का रहता है, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव लड़ती है उससे सहयोगियों को ही नुकसान पहुँचता है। कांग्रेस को अपनी इस रणनीति के विषय में विचार करना चाहिए। शिवानंद के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गिरिराज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी के बारे में बिहार में महागठबंधन के सहयोगी पार्टी RJD के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पर्यटक राजनेता हैं। शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत मिली, RJD ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसके पास मात्र 19 प्रत्याशी ही जीतने में सफल रहे। महागठबंधन के सहयोगियों में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था। कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट पार्टियों का रहा। लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों में से 16 सीटें जीत ली। इनमें सबसे अधिक 12 सीटें CPIML ने जीती, जो 19 सीटों पर खड़ी थी। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।